शूद्रा अधिकरण के संबंध में कुछ विचार कर रहे थे। कर्म का क्या स्थान है, कर्म कहाँ से आरंभ होकर कहाँ समाप्त होता है, कर्म के अधिकार में जो आया हुआ कोई भी कार्य है वो शास्त्र का जैसा विधान है, व्यवस्था विदाई शास्त्र का जैसा विधान है वैसा ही अनुसरण करना चाहिए। और कर्म से बाहर जो है, यानी कर्म का अधिकार समाप्त होने पर कुछ विशेष विधियां हैं, कुछ विशेष आचरण होते हैं, वो एक अलग हो जाता है। तो भाष्यकार का इसी अभिप्राय से ही ये पूर्वाधिकरण को भी जानना चाहिए, देवदाधिकरण, कि देवदाओं को कर्म में अधिकार का निषेध किया है, ऋषियों को कर्म में अधिकार नहीं है कहा। तो कर्म में अधिकार नहीं है किंतु ब्रह्म विद्या में उनको अधिकार है, ये पूर्वाधिकरण में सिद्ध किया था। तो वेदाध्ययन से जो प्राप्त होता है उसमें जिसका अधिकार होगा, अधिकार पुरुषों को ही वो प्राप्त होगा, कोई भी कार्य उन्होंने अधिकार के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसके लिए चार प्रमाण बताए, चार मापदंड है कि कोई भी कार्य वेद संबंध में करने के लिए अर्थित्व, सामर्थ्य, अपर्युदास्तत्व, उपनयनादि शास्त्र, ये चार होना चाहिए। तो इसको लेकर के ही पिछले अधिकरण में विचार प्रवृत्त हुआ, अब इस अधिकरण में भी उसी को लेकर कहेंगे। तो ये जो दोनों अधिकरण है, कल बताए थे, ये दोनों अधिकरण पूर्व मीमांसा के अधिकरण के साथ जुड़े हुए हैं। कारण क्या है कि वहां जिस प्रकार विचार किए, जिन युक्तियों का विचार है वहां, उन युक्तियों को भी यहां लिया गया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में अनेक भेद है, तो भी वेद के विषय में भेद नहीं है। वेद के विषय में, वाक्यार्थ के विषय में, शास्त्रार्थ के विषय में जैसा मीमांसा मानते हैं उन नियमों को हम भी मानते हैं, उत्तर मीमांसा भी मानते हैं। केवल मीमांसकों की बात नहीं है, अन्यवादी भी वेद के बारे में जब कहते हैं तो मीमांसा को लेकर के कहते हैं। मीमांसा को पढ़े बिना, जाने बिना वेद का अर्थ नहीं कर सकते, वेद में कोई प्रवृत्ति आपको नहीं हो सकती। तो वेद के लिए विशेष निरुक्त आदि का भी ज्ञान चाहिए, ये आप जानते हैं। तो यहां भी वेद विषयक, अधिकार विषयक बात होने से ये वेदांत का मुख्य विषय नहीं है, वेदांत में यह प्रासंगिक विषय है, तो उसका वहां से लिया गया है, उसके अधिकारित्व के विषय। वेदांत का अधिकार किसको है, क्या है, कैसा है, ये तो अधादो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के चतुर्थ सूत्र पर्यंत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया, तो उसका सीधा उधर से संबंध नहीं है, लेकिन इस विषय, इन दोनों विषय का उधर से संबंध है। इसके लिए, क्योंकि कई बार इसके विषय में जानकारी नहीं रहते, ये दोनों अधिकरण क्यों आया, जैसे कल हमने समझाया था, कोई बोलते हैं ये प्रक्षिप्त है, वो इसमें जोड़ दिया गया बाद में, ऐसे ऐसे कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है पूर्व के साथ इसका संबंध होने से ऐसा है। अब जो पूर्व के साथ आप देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा ये प्रक्षिप्त है ही, और भाष्य के वाक्य और शबर भाष्य, वहां के जो विचार है इनको देखने पर भी स्पष्ट है कि इन दोनों का साथ संबंध करके ही कहे।
और बीच में तो भाष्यकार ने स्वयं भी अपने आप कहा था कि वह पहले इस प्रकार से विचार हो गया, देवता अधिकरण में पहले सूत्र भी विचार करते ही कहा था। तो यह स्पष्ट है कि वहां से भाष्यकार संबंध करना चाहते, इसीलिए हम अब इन अधिकरणों को किस प्रकार वहां विचार किया। वहां का मुख्य विषय यही है, 12 अध्याय है जैमिनी सूत्र का, आप जानते हैं 2700 लगभग सूत्र है, 60 पादों में बहुत विस्तार से है, सबसे बड़ा सूत्र ग्रंथ है। उन अध्यायों में षष्ठ अध्याय का नाम है अधिकार अध्याय, जैसा हमारे यहां समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय और साधना अध्याय, फलाध्याय, ऐसा है 4 अध्याय का नाम अलग अलग दिया। इस प्रकार से विषय को लेकर के प्रतिपादन, प्रतिपादित विषय को लेकर के अलग अलग नाम है, वहां षष्ठ अध्याय का नाम है अधिकार अध्याय। तो वेद का प्रतिपादन में, वेद के विषय के कर्म में, मैंने 5 अधिक अध्याय तक जो कुछ प्रतिपादन किया, इनमें कर्तव्य किसका होगा, कौन कौन अधिकारी बनेंगे, इस पर विस्तार से विचार किया। और केवल एक प्रकार से अधिकारी की बात नहीं है, ये अधिकृत अधिकारी भी होते हैं। एक अधिकारी होते हैं पहले किसी कर्म को करते हैं और उसके बाद में आगे का कर्म करते हैं, उनको कहते हैं अधिकृत अधिकारी, वो करने के बाद ही उनको अन्य कर्म में अधिकार होता है। जैसे प्राण विद्या आदि में, प्राण विद्या को करने के बाद में श्रीमंथ में अधिकार होता है, प्राण विद्या नहीं करने श्रीमंथ में अधिकार नहीं है। ऐसे बृहदारण्यक में भी कई है, छांदोग्य में भी अधिकृत अधिकृत विषय होते हैं, अधिकृत मन पहले एक किया उसके बाद इसका अधिकार होता है। जैसे कोई डिग्री लेना चाहता है तो उसको पहले 12वीं तक अध्ययन करना पड़ेगा, तो 12वीं तक अध्ययन किया हुआ जो व्यक्ति वो अधिकृत है किसके लिए, आगे करने के लिए, इस प्रकार की बात है, अधिकृत अधिकार बोल, इसका भी विचार है। और प्रतिनिधि आदि के बारे में भी विचार है कि किसके अभाव में कौन करना चाहिए, कैसे कैसे होगा, आगे विस्तार से विचार है। तो मुख्य अधिकारी अभी वेद के विषय में क्या है, ये हम वेद का विषय तो ये स्पष्ट होना चाहिए, कर्मकांड के विषय को लेके ही करते। यहां पूर्व मीमांसा में वेदांत का कोई विचार नहीं है, वेदांत को भी वो कर्मकांड में ही जोड़ते हैं, बोलते हैं क्रम से कर्मकांड में आ जाता है, अर्थवाद आदि रूप से विधि के साथ एक वाक्य तो होकर के वो कर्मकांड के साथ जो होते हैं, स्तुति आदि रूप से, जैसा भी कर्मकांड का ही विषय है। तो यहां अधिकार अध्याय में सबसे पहला, वहां षष्ठाध्याय का प्रथम पाद का दूसरा अधिकरण है, उस अधिकरण का दो नाम प्रसिद्ध है, एक तो तिर्यक अधिकरण और उसके बाद मनुष्याधिकार अधिकरण। अभी हम प्रमिदा अधिकरण का अंतिम सूत्र देखेंगे तो आपको मालूम होगा कहां से ये मुड़ गया था, तो कई बार इसका उद्धरण किया, वो मनुष्य अधिकारत्व कहा, और वो मनुष्य अधिकार कहने से, वो अधिकार के विषय में होने से ये मीमांसा में अपने आप चला गया, इसीलिए मनुष्य अधिकार सामान्य रूप से कहा। तो वहां मनुष्य अधिकरण आता है दूसरे अधिकरण, वहां विचार क्या है, सामान्य यही विचार है, पूर्व पक्ष वहां कहता है ये स्वर्ग काम हो यजेद इत्यादि वाक्य, ये स्वर्ग काम हो यजेद, इस वाक्य का अधिकारी क्या है, कौन यजन करेगा, स्वर्ग काम व्यक्ति को यजन करना चाहिए बोला, और स्वर्ग काम कौन हो सकता है। तो पूर्व पक्ष यही होगा कि आप स्वर्ग को क्या अर्थ करते हैं, एक सुख विशेष का अर्थ करते हैं, तो सुख विशेष माने प्रीति है, प्रसन्नता, तृप्ति है, तो ये तो सभी चाहते हैं, ये तो प्राणी मात्र चाहते हैं, तो सभी को स्वर्ग में अधिकार होना चाहिए। अब जैसे आजकल समाजवादी जो भी कहते हैं वही है, अब आप पूर्व पक्ष देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आजकल लोग कहते हैं वही चीज है, उनको वहां पूर्व पक्ष में रखा, ये कोई नई चीज नहीं है जो बता रहे, इनका सारे विचार तर्क पहले से है, अब हम उसका अध्ययन नहीं करते, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता, फिर सारे का उत्तर मिलेगा। वो कहता है कि सुख विशेष है, स्वर्ग है, जैसे बोलते हैं आत्मा सबके लिए है, इस प्रकार स्वर्ग है तो सुख की चाहत सबकी होती है, तो सबको होना चाहिए, सबको स्वर्ग में अधिकार होना चाहिए,
स्वर्ग शब्द को आपने कहा था कि यन्न दुखेन संभिन्नम न जगत्स्थम अनंतरम अभिलाषो बनीतम च तत्पदम स्वपदास्पदम, ये व्याख्या दी है कुमारी भट्ट जी ने स्वर्ग वार्तिक में, यही स्वर्ग है आपने कहा। तो अभिलाषो बनीतम च, अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करने के लिए योग्य जो वस्तु है, हम जो चाहते हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही है, हमारे चाह के अनुसार यदि प्राप्ति हो जाए तो वो हमारे लिए सुख लाता है, तो वही स्वर्ग है आपने कहा। तो वो प्राणी मात्र के लिए होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष आता अतः सुख विशेषे स्वर्गादो सर्वस्य अधिकार। सुख विशेष जो स्वर्ग आदि है उसमें सबका अधिकार है, क्यों? फलार्थित्व कर्मण शास्त्र सर्वाधिकारम से आदि सूत्र है। ये शास्त्र किसको उद्देश करके, क्या के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ? फलार्थित्व, फल मुख्य होता है और फल विधि को ही मीमांसक मुख्य विधि मानते, बाकी किसी को नहीं, बाकी साधन विधि सब गौण विधि है, गुण विधि में आता, फल विधि को मुख्य विधि मानते। तो फल तो सब चाहते हैं। अब किसी को भी पूछे स्वर्ग रूप सुख के वर्णन करने के बाद में आप उनको पूछोगे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो चाहिए। और स्वर्ग की बात छोड़ो, एक मोबाइल को दिखा करके भी बोलो ये बहुत बढ़िया है तो तुरंत बोल देगा ये मुझे मिलने से अच्छा है, ये भावना तो हो जाती है। तो कोई भी वस्तु के बारे में हमको जानकारी होती है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा है लगता है, तो उसमें एक भावना हो जाती है, ये मेरे लिए मदिष्ट विषयम, ये तो मदिष्ट विषय, ये मेरा इष्ट विषय है, और उसमें एक भावना होती है, फिर उसी में काम करते हैं, इस शब्द की भावना इत्यादि। तो इसलिए फलार्थित्व तो होने से कर्म का जो शास्त्र है उसमें सबका अधिकार है, ये पूर्व पक्ष वहां होता है। तब सिद्धांत कहते हैं ये नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जो अर्थित्व और सामर्थ्य चार है ये ध्यान रखना, ये सारे इसी आधार पर चलेंगे। अर्थित्व सामर्थ्य, अर्थित्व तो है सबको, सब जो सुख चाहते हैं ये तो कोई नकार नहीं कर रहे, प्राणी मात्र चाहते हैं, पशु पक्षी आदि सभी सुख चाहते हैं, इसलिए तो जहां सुख प्राप्त होता है वहां दौड़ चले जाते, तो होता है, इसीलिए सबको होना चाहिए। बोलते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थित्व होने पर भी सामर्थ्य नहीं है, कर्म करने के लिए जो विधान किया गया उनको संपन्न करने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है, इसीलिए मनुष्य अतिरिक्तानाम जीवानाम नास्ति शक्ति ही कर्म अनुष्ठाने, ऐसा सिद्धांत महानिश्चय, मनुष्य से अतिरिक्त कर्म के अनुष्ठान करने में किसी का नहीं, यहां किसी का नाम नहीं लिया, मनुष्य मात्र का अधिकार सिद्ध कर दिया, अब व्यवस्था तो बाद में बनाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य अधिकार पूरा हो जाता। अब हमें हमारे यहां मनुष्य अधिकार अलग से दिया नहीं, लेकिन हृदय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकारत्व सूत्र में मनुष्य अधिकारत्व सूचित किया सूत्रकार ने, प्रमिता अधिकरण का जो 25वां सूत्र अंतिम सूत्र है, तो वहीं से आकर के ये अधिकरण की बात वहां हो गई ना। अब क्या है, मनुष्य का अधिकार धर्म मात्र में होता है, कर्म मात्र में होता है, वेद मात्र में होता है, ऐसे अर्थ आपको आ जाए, क्योंकि धर्म कहने पर दोनों धर्म ही है, वेदांत भी धर्म है और वेद कर्म भी धर्म है, वेदोक्त विहित कर्म को ही आचरण को ही धर्म कहते हैं, इसीलिए वहां दोनों धर्म हो जाता, उसमें अधिकार सिद्ध किया। अब वहां प्रश्न हो गया, ठीक है मनुष्यों को अधिकार है, अब ऋषियों को अधिकार है कि नहीं? जो प्रवर ऋषि है सप्तर्षियों में, जो ऋषि जिन ऋषियों का नाम वेद में आया है, इन ऋषियों की बात करते हैं, तो उन ऋषियों का अधिकार है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न इसलिए हुआ कि ऋषियों को ना पूरा मनुष्य मान सकते हैं और ना देवता मान सकते हैं, तो ऋषि है अलग गुण संपन्न है, विशेष गुण संपन्न है, मनुष्य मात्र का मनुष्य के जो दोष है वो उनमें नहीं है, और देवताओं का देवलोक भी नहीं है, दोनों के बीच में है, मानी यहां भी है वहां भी है, दोनों सब जगह उनका संचार होता है, ऐसे इनकी विशेष शक्तिमान होने के कारण तो ऋषियों को कर्म में अधिकार है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो वहां चर्चा करते करने के बाद में ये निश्चय हुआ ऋषियों को भी अधिकार नहीं है। कारण क्या है, अर्थित्व उनके पास भी है, सुख चाहते हैं नहीं चाहते जो भी है, अर्थित्व तो हो सकता है, अर्थित्व की संभावना होने पर भी
सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य इसलिए नहीं है न ऋषिनामार्षेय अभाव, ऋषियों का अधिकार इसलिए नहीं है, कर्म में ऐसे कई विधान है, ऋषियों का आवाहन करना, प्रवर ऋषियों को आवाहन करना, आवाहन करके उनका पूजन करना, उनको विशेष अर्घ्य पाद्य आदि लेना, जो ऋषि तर्पण हम करते हैं, ऋषि तर्पण आदि जो करते हैं संध्या में करने वाले जाने, तो ये जो है इस प्रकार के कर्मों में भी विधान है। अब वशिष्ठादि ऋषियों को तर्पण आदि करने के लिए जो कहा, वो वशिष्ठादि ऋषि तो स्वयं नहीं करेंगे, आप अपने लिए तर्पण तो नहीं कर सकेंगे ना, तो जो कर्म वहां विधान किया है, जो मुख्य कर्म के अंग कर्म है, उनका अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, और अंग विहीन होने से सांग उपांग सहित कर्म फलदायी होता है, और अंग विहीन होने से कर्म फलदायी नहीं होगा, इसीलिए ऋषि ये कर नहीं सकते हैं, इसके कारण आश्रय अभाव, तो अन्य ऋषि के लिए हो सकता है, अपने ही ऋषियों का नाम आया तो नहीं हो सकता, इसलिए एक ऋषि अपने लिए नहीं कर सकता तो वो उनका नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं है तो नहीं कर सकते, अधिकार नहीं, इसलिए कर्म में ऋषियों का अधिकार नहीं। किन ऋषियों को? जिन ऋषियों का नाम वेद में आया है, जो प्रवर ऋषि कहते हैं, जो हमारे सप्तऋषियों में आते हैं, सप्तऋषि के बाद प्रवर ऋषि आते हैं, इनका जो है गोत्र संबंध ऋषि है, उनको अधिकार नहीं, ये निश्चय होगा वो कर्म नहीं कर सकते। कर्म कराने में आशीर्वाद दे देंगे, कर्म में उपस्थित हो जाएंगे, वो बात अलग है, कर्म के साथ संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कर्म का यजमान नहीं, करता नहीं बन सकता। फिर प्रश्न आया तो देवताओं की बात क्या, देवता तो सर्वशक्ति संपन्न है, अणिमाद ऐश्वर्य संपन्न है, ऐसे देवता है, उनके अंदर भी किसी किसी प्रकार से हम भावना संभावना रख सकते हैं, वो सुख की भावना करते हैं, ऐसे रख सकते हैं, तो होने पर उनको भी कर्म होना चाहिए। तो कहा देवताओं को अभी यही है, न देवानाम देवतांतरा भावात, देवताओं को भी कर्म नहीं होता है, देवता अंतर अभाव, अन्य देवता नहीं, तो वो निश्चय इसी अधिकरण के अंतर्गत दोनों का निश्चय होगा। किसी किसी पाठ में ऋषि अधिकरण अलग है, देवता अधिकरण अलग है, और किसी पाठ भेद में ये मनुष्य अधिकार के अंतर्गत ही ये भाष्य इसमें विचार करके उसका उत्तर दिया, ये अधिकरण आपका पूरा हो गया। इस विषय में आप देखिए, अब यह तीन का है, ये तीनों विषय में कर्मकांड में जो निश्चय किया उसका विपरीत निश्चय यहां हुआ। विपरीत निश्चय माने कर्मकांड में ऋषियों का अधिकार नहीं दिया, देवताओं का अधिकार नहीं दिया, केवल मनुष्यों का अधिकार दिया। हमारे यहां क्या किया, अभी देवता अधिकरण जो चले गए उसमें ये सारे विचार हो गए, दोनों का विचार हो गया, उसमें कहा कि ऋषियों को भी अधिकार है ब्रह्म विद्या में, और देवताओं को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। उसका प्रमाण क्या दिया, मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्य, इन पांच प्रमाणों से भाष्यकार ने सिद्ध किया, सूत्रकार सूत्रों की सहायता से, इसलिए अब देखना उससे अलग कर दिया। अब इस विषय में हमारा भेद है, भेद क्या है, पहले भी सुना है, एक बार और बताते, भेद यह है कि देवता आदि का विग्रहत्वादि रूप पूर्व मीमांसा में नहीं मानते हैं, इसके कारण उनको सामर्थ्य नहीं आ सकता, विग्रह नहीं है, सामर्थ्य नहीं, विग्रह भविष्य भोग ऐश्वर्य से प्रसन्नता फल प्रदादत्वेद पंचकम विग्रहाधिकम, ये पांच उनके अंदर नहीं है ऐसा पूर्व मीमांसक मानते, किंतु हम उसके विपरीत विग्रह आदि पंचक मानते, इसके कारण देवताओं को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होता है, और हमारे पास इंद्रा देवताओं की प्रजापति आदि कथाएं मिलती है, और इंद्र प्रजापति का संवाद आदि है, तो ये हो सकता है, उपनिषद में भी है उमा इंद्र का संवाद, ऐसे ऐसे अर्थवाद मिलते हैं, और अर्थवादों के लिए प्रमाण के लिए क्या कारण कहा, अर्थवाद को कैसे प्रमाण मानना चाहिए, पूर्व मीमांसक अर्थवाद जो कथाएं कथानक आए हैं उनको प्रमाण मानते हैं, स्तुति निंदा रूप से पद एक वाक्यदा के द्वारा वाक्य एक वाक्यदा करके प्रकरण के साथ एक करके फिर वहां प्रमाण माने विधि नाम तो एक वाक्यत्व, इस दृष्टि से प्रमाण मानते, बाकी अपने स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अर्थवादों का अपना कोई तात्पर्य नहीं होता, विधि नाम तो एक वाक्य तो ऐसे प्रमाण मानते हैं कि पूर्व मीमांसा का, लेकिन हमारे उस विषय में सिद्धांत का अलग विचार है,
हम स्वार्थ में अर्थवादों का प्रमाण मानते हैं। कैसे? इनका अन्वय आपस में हो जाता है, इनका शब्दान्वय हो जाता है। किस प्रकार शब्दान्वय करना है, ये मुख्य बात है। उसके विषय में विसंवाद और संवाद ना हो, तब संवाद विसंवाद नहीं होना चाहिए। संवाद का मतलब अनुवाद, जो अनुवाद बोधार्थवाद आदि अर्थवाद तीन प्रकार से होते हैं, जो अनुवाद रूप अर्थवाद ना हो। और विसंवाद माने जो विरोध रूप अर्थवाद ना हो। अर्थवाद तीन प्रकार का है, विरोध रूप, अनुवाद रूप, बोधार्थ रूप, गुणवाद। तो गुणवाद ना हो, तो विरोध रूप गुणवाद भी ना हो और अनुवाद भी ना हो, उस स्थिति में उसको प्रमाण मानते हैं। ये वेदांत की विशेषता है। इसको चतुर्थ सूत्र में भी भाष्यकार ने इसी को सिद्ध किया, अर्थवाद का प्रमाण। तो विरोधे गुणवाद स्याद आदि से जो कहा, उस हिसाब से ना होने पर, माने संवाद विसंवाद नहीं होने से अर्थवाद में स्वतंत्र प्रमाण लाना है, और अर्थवाद में स्वतंत्र प्रमाण ला करके फिर उसके अनुसार हम ब्रह्म विद्या में इंद्रादि देवताओं का अधिकार सिद्ध करते, ये सिद्ध किया। तो उसका भी अलग कर दिया, माने वहां अधिकार नहीं दिया ब्रह्म विद्या में, अब यहां हमने अधिकार सिद्ध कर दिया, माने हमारे कोर्ट में उनका सिद्ध हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया। उनके कोर्ट में नहीं हो पाया, हमारे कोर्ट में हो गया, ऐसा अब स्थिति ऐसा, ये अधिकरण इस प्रकार चला जाता है। उसके बाद में वहां क्रम से देखा जाए तो तीसरा जो है अधिकरण वहां ऐसा आता है, स्त्रियों का अधिकार के विषय में है, स्त्री नाम अप्य अधिकार है, स्त्रियों का अधिकार है कि नहीं ऐसा विचार करते हैं। इसका संक्षेप में बोलता हूं, जो वहां भी पूर्व पक्ष आता है कि पूर्व पक्ष कहता है नहीं, स्त्री को अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां भी देखते हैं पुल्लिंग का प्रयोग होता है। देखिए कैसे तर्क है, स्वर्ग काम है एजेदा, स्वर्ग काम में पुल्लिंग है, स्वर्ग चाहने वाला, वाली नहीं बोला है ना, तो वाला बोला, और सब जगह देखो वाला बोला है, वाली नहीं बोला। तो ऐसे में वो देखता है कि ये उनको स्वर्ग काम करने की इच्छा नहीं कर सकते, स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। तो कारण यही है, पुल्लिंग श्रवणात् पुंसामेव अधिकार, ऐसा पूर्व पक्ष, हर जगह पुल्लिंग सुनाई पड़ता है, इसलिए पुरुषों का अधिकार है, अन्य का नहीं। तो वहां सिद्धांत आता है, ऐसी बात नहीं, स्वर्ग कामादि यजन करने में स्त्रियों का भी अधिकार है। स्वर्ग कामादि पद बोधित अधिकार स्त्री पुरुष साधारण, ये जो पद स्वर्ग काम पद के द्वारा यहाँ पर जो अधिकार है, मैंने स्वर्ग चाहने वाला ऐसा जो अधिकार है, ये स्त्री पुरुष दोनों को, क्योंकि आप जानते ये पत्नी शब्द जो बनता है, पति ही एक होता है और पत्नी, तो पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, ये पा पालने धातु से ती प्रत्यय गुणादि से ती प्रत्यय करके वो दित होने से अकार लोप करके पति शब्द बनाता, तो पति शब्द बनाता है तो पालन करने वाला हो, लेकिन पत्नी शब्द उसी से ही बनाया, स्त्री प्रत्यय लगा। तो वहां सूत्र व्याकरण में आया है, आपने सुना है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, कि पदी शब्द से यज्ञ के संयोग, माने यज्ञ में साथ साथ बैठने के कारण वो पत्नी कही गई, उसमें ना प्रत्यय होता है स्त्री, तो पत्युर्नो यज्ञ संयोग, यज्ञ संयोग में है। तो ये सब आता है, बहुत जगह आता है, तो इसीलिए पत्नी का मतलब वो साथ में बैठती है, वो बैठने के लिए ही विवाह किया जाता है, विवाह करने के लिए साथ साथ रह करके घर चलाने के लिए विवाह नहीं किया जाता है। वो कर्मकांड के अनुसार विवाह जो एक संस्कार है, वो संस्कारित व्यक्ति ही आगे अग्नि आधान करके कर्मकांड आगे कर सकता है, क्योंकि वेद में जो 80,000 मंत्र है, 80,000 सूक्त है, ये सब कर्मकांड के विषय में, जिसको 80,000 ही बोलते हैं, तो कर्मकांड के विषय में उसको संबंध करने के लिए पति पत्नी दोनों साथ में चाहिए, उसके बिना नहीं होता, साथ साथ ही सब कुछ होगा। तो पत्युर्नो इत्यादि से दोनों का साथ साथ में कहा गया, इसीलिए वहां साथ में होना चाहिए इत्यादि, वहां विस्तार है, ज्यादा सूत्रों में नहीं जाते क्योंकि
हमारा विषय वो अन्यत्र हम बाद में विचार करेंगे इसके विषय में पूरे उसके विषय में। तो वो हो गया तीसरा अधिकरण। उसके बाद में प्रश्न आया कि पति पत्नी तो दो है, पति पत्नी क्या अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे? अब एक साथ तो घर में रहते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उत्तर की तरफ, कोई दक्षिण की तरफ, ऐसा भी होता है, तो किसी का सब एक मन हो ऐसा नहीं है, तो इनको कैसा करना चाहिए, साथ में करना है कि अलग अलग करना चाहिए? तब नियम बताया दंपत्य अधिकरण करके, वहां अधिकरण है, वहां यह सिद्धांत यही है कि कुछ भी हो ये कर्म में जितने भी कर्तव्य है वो तो संभूय कर्माधिकार, कर्म में अधिकार साथ साथ में होगा, अलग अलग नहीं होता। इसीलिए पति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, तीर्थ यात्रा करो कुछ भी करो वो सब निष्फल होता है, पत्नी के साथ होना चाहिए। पत्नी भी अकेला कुछ नहीं कर सकती, अकेला कोई दान धर्म कुछ भी करे वो भी निष्फल होता है, दोनों का साथ साथ में होना चाहिए। नहीं तो विशेष विधि आगे है, वो एक को दूसरा प्रतिनिधि बना सकता है, प्रतिनिधि बनाने पर हो जाएगा, लेकिन आजकल चुपके से जो काम करते हैं ना गृहस्थों में, ये सारे अनर्थ का परेशानी का कारण ये है। हमारे शास्त्र के अनुसार हो जाएगा तो कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं है, आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा। आजकल क्या है, पति का अलग अकाउंट रहता है, पत्नी का अलग अकाउंट रहता है, पति की अलग नौकरी, पत्नी की अलग नौकरी, वहीं से जाकर सारा झगड़ा शुरू होता है। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी को अलग अलग अकाउंट देखने का, अलग अलग संवाद रखने का नहीं है, वो गलत है, ऐसा बोलता है। जो भी रखेगा दोनों का साथ साथ में नाम में होना चाहिए, मतलब ज्वाइंट भी अकाउंट होना चाहिए, ऐसा आप अलग अलग नहीं रख सकते। वो जब तक गृहस्थ में है स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ का जो बंधन जो बांधते ना, घाट बांधते जब साथ फेरे लगते हैं, वो उसी से सब कुछ बांधा हुआ होता है। अच्छा दूसरा है, एक पुण्य करेगा तो उसका शेयर दूसरे को मिलता, और एक पाप करेगा तो उसका शेयर इसको भी आएगा, ऐसा होता। इसलिए बिल्कुल पक्का है वो व्यवस्था कि ये निश्चित है कि सभी कर्मों के विषय में धर्मे चर्थे च कामे च न अधिचरितव्या जाया पत्यो न विभागो विद्यते। देखिए क्या बोल, इसीलिए हमारे शास्त्र के अनुसार ये जान लीजिए, हमारे वेद धर्मशास्त्र हमारे शास्त्र के अनुसार डाइवोर्स नहीं है, डाइवोर्स की व्यवस्था है ही नहीं हमारे साथ। ये बोल रहे क्या बोल रहे, जाया पत्यो न विभागो विद्यते, जाया पति एक बार पति पत्नी हो गया उनको अलग नहीं किया जा सकता। कई बार ये चर्चा होते हैं, कुछ दिन पहले भी एक ने एक वकील ने मेरे को बुलाया। अब ये जो कानून अभी हिंदू लॉ के अनुसार बनाए हुए हैं डाइवोर्स का, ये शास्त्र संबंध नहीं है, शास्त्र में डाइवोर्स का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब विवाहित हो गए तो आमरण एक साथ, नहीं तो बाद में विधिवत संन्यास ले सकता है, पत्नी से अनुमति लेकर के जो भी विवाह करना, जैसे आजमलि जी ने किया, इस प्रकार के संन्यास ले सकता है। लेकिन वो संन्यास लेने का मतलब वहां डाइवोर्स नहीं होता है, डाइवोर्स का मतलब नहीं, जो कुछ आपने संपादन किया पत्नी या पुत्र को देकर के दोनों साथ साथ में वानप्रस्थ जा सकता है अथवा अकेला संन्यास में जा सकता है, नहीं तो मृत्यु पर्यंत एक साथ ही। अलग करने का मतलब केवल मृत्यु पर्यंत नहीं, बोलते जितना कर्म यहाँ किया है ना, ओ मीमांसा कुतुगल आहार तो बहुत विस्तार से विचार करते हैं इस अधिकरण के ऊपर, बहुत बढ़िया उन्होंने विचार किया। उन्होंने कहा इस जन्म में जो जो कर्म किया उसका कर्म फल भी एक साथ भोगेगा, क्योंकि काम तो एक साथ किया है तो भोग भी एक साथ ही हो। इसीलिए पत्नी या पति कोई पहले मर जाता है वो ऊपर जाके इंतजार करता है, अब यह नहीं आने तक, दूसरा नहीं आने तक उसको कर्मफल नहीं मिलेगा, वहां विशेष आसन दे करके वहां बिठाया जाएगा, आप बैठो अभी आने वाली है, आने वाला है तो सबको होगा, ऐसा है, मतलब न्याय नहीं होगा ना। दोनों साथ साथ में कर्म किया, अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी किया होगा तो फिर साथ साथ तो फल देना पड़ेगा। जैसे लोग मिलकर आजकल व्यवसाय करते हैं साथ साथ, शेयर होल्डर्स जो बोलते हैं, शेयर लगा करके करते हैं, तो उसका फायदा होगा तो भी साथ 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 बंटवारा करते हैं, नुकसान होगा तो भी वो साथ साथ झेलना पड़ता है। इसी प्रकार ये तो बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए तो इसको बंधन कहते हैं, ये तोड़ा नहीं जा सकता, ज्ञान के बिना संन्यास के बिना इसका संबंध टूटता नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक देता है, चल ले जाता है। इसलिए वहां संबंध है, कर्म के विधान में विस्तार से वहां है, अभी इतना आप जान लीजिए, वो दोनों साथ साथ में होता है, ये अधिकरण हो गया। अब उसके बाद
कुछ अधिकरण बीच में है, कुछ विचार और भी है, उसके क्रम से फिर आता है अपशूद्र अधिकरण, वहां के नौवां अधिकरण के हिसाब से, नहीं नौवां सातवां सूत्र के हिसाब से। तो अपशूद्र अधिकरण में ये तर्क है, अब वहां का तर्क सुनिए क्या तर्क है, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा किस दृष्टि से भाष्यकार यहां निर्णय दे रहे, क्योंकि ये भी ब्रह्मसूत्र भी एक कोर्ट है और जैमिनी सूत्र भी एक कोर्ट है, वहां का लॉ है, वहां का नियम है और यहां का नियम, जैसा कोर्ट में निर्णय होता है ऐसे ही होता है। वेदांत का सुप्रीम कोर्ट है हमारा ब्रह्मसूत्र, और कर्मकांड का सुप्रीम कोर्ट है जैमिनी सूत्र, तो उन्होंने क्या निर्णय दिया उसके ऊपर हमारा क्या निर्णय है, दोनों का नियम अलग बनाए हुए हैं, तो वो निर्णय फिर विचार जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का होता है इस प्रकार से विचार है। अब वहां क्या गए कि यही होता, आपने कहा मनुष्य अधिकार अधिकरण में कहा सब मनुष्यों को कर्म में अधिकार, क्योंकि उनके पास अर्थित्व सामर्थ्य दोनों है, ये कहा था आपने, तो सब मनुष्यों का सामान्य अधिकार होना चाहिए, ये यहां पूर्व पक्ष कहे। तो संबंध यही है कि अग्निहोत्र आदि कर्म में सब वर्णों का एक साथ अधिकार होना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म के विषय, अथवा नहीं है कि ये विचार करना चाहिए लेकिन अधिकार होना चाहिए, उसके लिए तर्क क्या है। पूर्व पक्ष कहता है स्वर्गस्य च कामनीयत्वम चतुर्वर्ण अति सामान्य, कि स्वर्ग को चाहना मनुष्य है, स्वर्ग को चाहता है तो चार वर्ण स्वर्ग को चाहता है, जो जो स्वर्ग के बारे में सुनेगा चाहेगा, तस्मात चतुर्नाम अधिकार है, चारों का अधिकार है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब पूछते भाई ऐसा है कि वेद में तो ये अग्नि आधान आदि जो कर्म है, पसंदे ब्राह्मणो अग्नि नाधीत ग्रीष्मे राजन्यहा, ऐसे उनका अलग अग्नि आधान करने का अलग अलग समय बता, और जो समय है वो समय एक बात की नहीं है, उपनयन करने के लिए भी तीन समय नाम लेकर के अलग अलग उनके लिए बोला, और अग्नि आधान के लिए भी नाम लेकर के अलग अलग बोला। तो इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं उनका भी है करके कैसे कह, तो तब क्या तर्क देता है। तो वसंतादि वजनानी, ये वसंदेव ब्राह्मणों अग्नि नादधीत और ग्रीष्म राजन्य इत्यादि वजन, वो क्या कहता है, ठीक है हमारे पास चार वर्ण है ना, चार वर्ण को खड़ा कर दिया, खड़ा करने के बाद बोला ये इस समय करो, ये इस समय करो, वो उस समय करो, तीन के लिए बोल दिया, तो शेष रहेगा ना, अब ऋतु तो हमारे पास छह है और उसमें एक तीन को दे दिया, एक एक ऋतु का समय दे दिया, तो शेष ऋतु है, तो शेष ऋतु में शेष वाला करेगा, तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप समझ के। तो एक को वसंत ऋतु बोल दिया, दूसरे को ग्रीष्म ऋतु बोल दिया, और तीसरे को जो है शरद बोल दिया, तो वो समय हो गया, उसके बाद वर्षा ऋतु शेष है, हेमंत ऋतु भी शेष है, तो वर्षा ऋतु में करेगा, अर्थात आ जाएगा ना, तो बोलने की क्या जरूरत है, इसीलिए उसका भी हो जाएगा, यद्यपि स्पष्ट रूप से वेद नहीं कहा तो भी हो जाएगा करके तर्क देता है। फिर बोलते हैं कि ये उपनयनादि अभाव है, पूर्व पक्ष के लिए है, पूर्व पक्ष सिद्ध करना उपनयनादि अभाव, उनके उपनयन नहीं है तो उपनयन के बिना होगा मैंने स्वाध्याय नहीं होता है, स्वाध्याय के बिना कर्म का ज्ञान कैसे होगा, कर्म का ज्ञान के बिना कर्म कैसे करेगा, क्योंकि वहां जो चार हेतु बोला उसमें उपनयनादि शास्त्रादि भी एक हेतु है, उसके बिना नहीं कर सकता। तब कहते हैं कि स्वाध्याय विहित अध्ययन अभावे भी, ठीक है उपनयन के लिए नहीं कहा यह हम मानते, उपनयन के लिए नहीं कहा, वहां भी यही स्थिति है, कोई मान सकता कोई नहीं मान सकता, उपनयन के लिए नहीं कहा, तो वो जो स्वाध्याय विधि है ना, स्वाध्याय विधि को पालन करने के लिए उपनयन है, हम स्वाध्याय विधि के अभाव में स्वाध्याय विधि को छोड़ देंगे, स्वाध्याय अध्ययन में उस विधि में नहीं जाएंगे, नहीं जाते हुए भी क्रदु विधि बला, याग का तो विधान किया स्वर्ग का, हम अध्ययन बला बोला है स्वर्ग चाहने वाला करो, वहां ये नहीं बोला स्वर्ग का चाहने वाला ब्राह्मण करो या क्षत्रिय करो वैसे करो, कुछ नहीं बोला है, जो सबके लिए बोला है तो वो ठीक है, जिनके लिए विधान अलग से नाम से दे दिया वो स्वाध्याय करने जाएगा, और ये तो क्रदु विधान बल से वो क्रदु के नाम से जो जो चाहिए उसका अध्ययन करेगा। बोलता है भाई बिना गुरु के पास जाके उपनयन किए बिना कैसे अध्ययन होगा, बोलते हैं अन्य भी मार्ग है, आजकल गुरु के पास अध्ययन करने की कोई जरूरत है क्या, आप ऑनलाइन ऑन कर दो बस, सारे जो है दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सारे कुछ उसमें,
आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन से विषय अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाना, पहले जमाने में गुरु के पास जाना पड़ता था, गुरु का डांट खाना, फिर वहां सेवा करना, फिर क्या क्या करना, बहुत कुछ होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। आजकल कुछ कठिनाई नहीं, एक डब्बा खरीदो, वो सामने रखो, फिर जो है आप वहां बैठ करके सुनो, कार्य सब जो भी करना करो, सब कुछ आ जाता है। अब ऐसे तो विधान है, तो वहां कोई उपनयनादि शास्त्र देखता है क्या, आप स्नान किया है कि नहीं किया है, कि वो क्या किया है, कुछ नहीं देखते। कोई कोई लोग तो बाथरूम में बैठ करके भी सुनते हैं, ऐसा किसी ने मेरे को कहा, मैंने देखा नहीं, वो बोल रहे थे कि हम तो सुनते रहते हैं स्वामी जी, वो सुनते रहते, मतलब बाथरूम में भी बैठ के सुनते हैं। मैंने नमस्कार किया, मैं बोला बाकी तो ठीक है, लेकिन कम से कम बाथरूम तो छोड़ दो, बाहर बैठ करके सुनो। वो इतने मतलब ये बोल रहे हैं, उसको इतना अभी अक्ल नहीं है क्या चीज बाथरूम में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत दुस्थिति है। इतना मतलब वो आपने लगाव दिखा रहे कि हम एक थोड़ा समय भी व्यतीत नहीं करता, वो भी करता। इसीलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रंथ निरीक्षण आदि के द्वारा, वो डायरेक्ट नहीं करते हुए, वो इनडायरेक्ट जो भी माध्यम है, ग्रंथ निरीक्षण आदि करते हुए हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और वो कर्म करेंगे। उपनयन नहीं है क्या, फर्क पड़ा तो कर्म कर लेंगे। ऐसा कर्म में अधिकार होता है करके पूर्व पक्ष, लंबा पूर्व पक्ष है, कई सूत्र है वहां, तो हम इसको संक्षेप में आपको सुनाया, तो ये साबित करता है। तब सिद्धांत वहां ये कहता है कि याग अनुष्ठाने या विद्यापेक्षिता सा त्रैवर्णिकस्यैवा सूत्र। याग अनुष्ठान करने के लिए जिन वेद मंत्रों को वेद से शाखा के नियम से अध्ययन करना चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले विस्तार से प्रथम दिन में ही आपको सुनाया था किस प्रकार स्वाध्याय होता है इत्यादि, उस नियम के अनुसार अध्ययन करने के बाद ही उसको कर्म में आगे अधिकार होता है। वो केवल चतुर्थ वर्ण की बात नहीं है, यदि ब्राह्मण भी है, यदि विधिवत उन्होंने अध्ययन नहीं किया और जिस समय में जो जो कर्मों का संस्कारों का संपादन करना चाहिए नहीं किया, तो वो फिर ब्राह्मण का कर्म करने के लिए रहता नहीं है, उसको निषेध किया गया, वो ब्राह्मणत्व को रक्षा करने वाला नहीं है, वो ब्राह्मणत्व को हानि पहुंचाने वाला हो जाता है, ब्राह्मण द्वेषी हो जाते हैं, मतलब ब्राह्मण के विरोधी हो जाता है। तो ब्राह्मण तो कर्म किया नहीं और लोग उनको ब्राह्मण मान रहे हैं, तब क्या सोचेंगे लोग, अरे ब्राह्मण होने पर ऐसे भी कर सकता है, सोचेंगे नहीं सोचेंगे, क्यों, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरेव जनः। ये बड़ा आघात है कि आप श्रेष्ठ होते हुए वो आचरण नहीं करेंगे तो लोग तो आपका अनुसरण करेंगे। लोग बोलते भी है, अरे ब्राह्मण होता हुआ ऐसा कर रहा है, ब्राह्मण होता हुआ ऐसा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर अभी भी वो आदर है कि ब्राह्मण होता हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर रहा है तो आप उसके हानि कर रहे हैं। तो वो उन व्यक्तियों के लिए भी जो अधिकृत है उनको भी निषेध किया कि आप समय पर नहीं किया तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्षत्रिय भाई जो भी करना चाहिए वो करने पर ही होता है, नहीं करने पर नहीं होता। ऐसे में इन्होंने किया नहीं, इनको अधिकार में आया नहीं, तो वो कैसे करेंगे, उनको जानकारी है नहीं कैसे करना, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो विद्या से जो प्राप्त होना है उसी को वैसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये वसंदे ब्राह्मणों अग्नि नाद धीर इत्यादि जो मंत्र है वो विशेष रूप से दो बार इसके लिए आया, एक तो अग्नि आधान करने के लिए आया और उपनयन शास्त्र के लिए भी आया, दोनों जगह तीनों का ही नाम लिया है, इनका नहीं लिया, नहीं भी लिया और निषेध भी नहीं किया, वो नहीं करना चाहिए ऐसा बोला नहीं है, लेकिन तीनों का नाम ही लिया है, विधान तो तीनों के लिए। तो ऐसा फिर साल का उपनयन शास्त्र, कितने उम्र में करना चाहिए, अष्टसु ब्राह्मण एकादशसु राजन्य द्वादशु ऐसे इत्यादि नियम है, ये सारे वहां नाम लेकर के कहा गया है। और वहां जो नियम बताया उपनयन आदि जब नियम करते समय क्या नियम करना चाहिए, कोई कोई कर्म में नियम होता है, व्रत धारण बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं, उसमें पयो ब्राह्मणस्य व्रतम, वहां भी उसका ही पय व्रत आया, और यवागु राजन्य का आया, और आमीक्षा वहां भी चतुर्थ का नाम नहीं लिया। तो इसीलिए ये शेष न्याय यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि बाकी क्या क्या खाने को है, तो ऐसा तो कोई भी खाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। और समय के लिए ठीक है, चार से हम एक शेष न्याय लगा सकते, शेष न्याय लग सकता है, यहाँ तो शेष न्याय लगेगा नहीं, है तो बोलना चाहिए था, तो बोला नहीं, इसीलिए ऐसा मत कर, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से वहां ये अवसूद राधिकरण से उसका निषेध हो जाता है। फिर प्रश्न आया कि आप बोलते हैं कि कहीं कोई विधान नहीं है, शूद्रों के लिए कोई विधान
वेद में नहीं है बोलते, लेकिन कहीं कहीं विधान दिखाई पड़ता है, किसी किसी के लिए विधान है। अब वहां क्या है, अब जो दो अधिकरण यहां आ रहे हैं, अब हम दो अधिकरण के और विचार करेंगे, है तो अभी बहुत है, लेकिन दो अधिकरण का विचार करें। ये दो अधिकरण बहुत मुख्य है, मुख्य इसलिए है कि जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने पक्षपात किया इत्यादि जो आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसा हो नहीं सकता, इसका कारण है कि मीमांसा का ये अधिकरण और पीछे कुछ अधिकरण चले गए। एक तो म्लेच्छा अधिकरण एक है, म्लेच्छा अधिकरण चले गए, और होला का अधिकरण, ऐसे दो अधिकरण, ऐसे ऐसे अधिकरण है जिससे इन धर्माचार्यों की उदारता वो किस भाव से करते हैं, कैसे प्रमाण को लेते हैं, क्या नियम का पालन करते हैं, ये मालूम पड़ता है। वो एक पक्ष को लेकर के ऐसा नहीं है, वेद ने कहा है, वेद में विचार है तो वो पूरे मान्य, उसके अक्षर से है, मतलब अक्षर में एक प्रत्यय भी लगा होगा वो प्रत्यय को भी सम्मान करके उसका अर्थ निकाल, इधर का उधर करते नहीं। अब वेद में नहीं कहा हुआ तो उस पर फिर बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा, स्मृति आदि के द्वारा बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। वेद में कहा हुआ है तो उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं लगाते, ऐसे इतने उदारवादी थे। अब यही है म्लेच्छा अधिकरण, म्लेच्छा अधिकरण का वहां विषय क्या है कि शब्द का अर्थ करने के बारे में विचार करता, ये पहले प्रथम पाद प्रथम अध्याय में आया। तो शब्द का अर्थ कहीं कहीं अलग अलग होता है, गुरु से हम शब्द सीखते हैं फिर उसका अर्थ करते हैं, जैसे घड़बड़ादी शब्द का अर्थ, तो वेद में ऐसे कुछ शब्द आया जिसका दो अर्थ है, एक जैसे यवागु आदि शब्द है उसका दो अर्थ है, कहीं एक धान्य विशेष में उसका अर्थ होता है, कहीं एक और धान्य विशेष में अर्थ होता है। लेकिन जो म्लेच्छ लोग है, म्लेच्छ का अर्थ यहां मैंने कहा जो अभी वेद के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं, जंगल में रहते हैं सामान्य लोग, जिनका नाम लिया गया अमरकोश में कहा ना, उनिशा किराद है, सबर है और निषाद है, इनका जो स्रोत है, तो ये जो म्लेच्छ लोगों का जिनका है वो बिल्कुल जानते नहीं, कुछ आचार विचार उनको मालूम नहीं, बिल्कुल समाज से दूर है, ऐसे उनको कहा गया। तो वो कहते हैं कि वहां क्या निर्णय सिद्धांत क्या हुआ कि ये जो यवागु आदि पद का जो दो अर्थ है उसमें निर्णय म्लेच्छ जो जिस अर्थ में यवागु शब्द का प्रयोग करते हैं उस धान्य को लेना चाहिए, ऐसा कहा। विशिष्ट लोग जिसको यवागु शब्द से प्रतिवादी करते उसको नहीं, वो लोग जो कहते हैं वो सही है, ऐसा निर्णय दिया। अब देखिए यदि उनके पास साथ कोई भेदभाव है उनको प्रमाण मान करके यह निर्णय देगा क्या, नहीं दे सकता, वो मतलब से नहीं है। वहां कर्म में क्या प्रयोग हो रहा है, किस उद्देश्य से वहां विधान हो रहा है, उसके लिए क्या वहां चीज को कहा गया, उसको कैसा सिद्ध करना है, उसके लिए क्या प्रमाण है, वो देख रहा है। वहां कोई व्यक्ति विशेष बोला है ऐसा नहीं। तो वहां टीकाकार आदि ने और भी बहुत उदाहरण दिया, मैं उसको संक्षेप में सुना। इसी प्रकार होला का अधिकरण है, ये होला का मन बहुत पुरातन एक यज्ञ है, वो अभी बदल बदल करके होली हो गया, होली है, होला का यज्ञ से आया हुआ, होला का यज्ञ का विधान शास्त्र में है, मीमांसा में एक अधिकरण ही है इसको लेकर। अब क्या है, ये होला का और ये मकर संक्रांति आदि दो तीन त्योहार है, ये वैदिक त्योहारों में आते हैं, वैदिक उत्सव है, बाकी तो बाद में बहुत सारे उत्सव हो गए, अभी तो उत्सव ही उत्सव है, लेकिन दो चार उत्सव ऐसे हैं जो वेद में कहे वो उत्सव में है, और ये उसमें एक है ये होला का, होला का जलन करना। अब होला का जल, अभी आजकल होला का तो जलाते हैं ना, होली जलाते हैं, वो सब कचरा पचरा इकट्ठा करके वो होली का दहन होता है। तो ये होला का यज्ञ नाम का यज्ञ था, उस पर प्रश्न करता है, ये होला का यज्ञ का कोई अधिकारी विशेष कहा नहीं, पूर्व पक्षी हिसाब से वहां विचार होता, कोई अधिकार नहीं कहा कि होला का यज्ञ करो, ऐसा कहा। तब वहां प्रश्न होता है कि होला का यज्ञ किसको करना चाहिए, कौन उसका अधिकारी होगा, ऐसे वहां विचार करते हैं। तो होला का दहन करना चाहिए कहा, होला का यज्ञ करना चाहिए कहा, इसमें अधिकारी को कहा नहीं, तो तब वहां विचार करके सिद्धांत देता है कि ये कोई देश विशेष के लिए, ये काल विशेष के लिए नहीं है, या पुरुष विशेष के लिए नहीं है, ये होला का रूप यज्ञ सबके लिए है, ऐसा कहा।
वो सकल देश सकल पुरुष साधारण, इसीलिए वो देख के कुछ भी भूल गया होगा, होली का दहन करने वाले किसी को मालूम नहीं है कि ये वहां से आया हो। उस समय वो यज्ञ था, वो यज्ञ बदल 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 करके डर के मार के क्या क्या हो गया, फिर आते आते अभी केवल वो जलाने का एक मतलब रह गया, वो रंग डालना, रंग डालने के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, वहां कोई रंग डालने की चर्चा वहां नहीं है, वो तो बाद में फिर पता नहीं कैसे आ गया होगा, लेकिन ये दहन की चर्चा वहां है। तो वहां क्या है, देश विशेष आचार में व्यवस्था नहीं होने पर ये सर्वधर्म स्यात्, ऐसे सिद्धांत होता है, सर्वे आचारा सर्वेशां स्युः, इसमें जो कुछ कहा गया वो सब लोग मिलकर के कहा, ये समाज के ऐक्य बना के रखने के लिए, आपस में द्वेष मिटाने के लिए, आजकल भी उसी उद्देश्य से ही चलता है, सब लोग मिलकर के करते हैं, सभी जगह करते हैं, पहले पहले तो वहां नहीं था, दक्षिण में इतने नहीं मानते थे, आजकल दक्षिण में भी मान रहे, सब लोग मानते हैं, ये होला का अधिकार, मतलब इनकी उदारता अधिकार है, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये कोई पक्ष विपक्ष के लिए करने के लिए नहीं, तो वो भी होता था, उसमें कुछ मंत्र भी है, विधान भी है, कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, वो अभी तो विकृत हो गया, अब जो कर रहे हैं वो विकृत है, वो कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन वो यज्ञ था। तो ऐसा विचार करके अब यहां एक प्रश्न, दो प्रश्न ये है कि यहां वर्षा सुरथकार आदधीत, ऐसा विधिवाक्य आता है, वर्षा ऋतु में रथकार मन जो शिल्पी होते, रथ बनाने वाले रथकार, तो रथकार आदधीत अग्नि आधान करके यज्ञ करें, ऐसा वाक्य। अब ये रथकार जो होते हैं चतुर्थ वर्ण को मानते हैं, चतुर्थ वर्ण में होता है, क्योंकि जितने 64 कलाओं में उन कलाओं का जो विधान किया गया, 64 कला में जो जो कला का अलग अलग करके दिया, उसमें रथकार है, शिल्पी है, ये सब है। ये देखिए वेद में ये जो व्यवस्था शास्त्र हम कहते हैं, ये असली में व्यवस्था शास्त्र है, का मतलब जिसको जैसा काम करने के लिए समाज में स्थान दिया, करने के लिए नियुक्त किया, वो वही काम करे, उससे दूसरा काम नहीं करे, करेगा तो उसको दंडित करने के लिए दंड नीति, अनुस्मृति में आपकी दंड नीति है, मैंने राजनीति के अंतर्गत राजनीति बोलते हैं उसको, तो राजनीति याज्ञवल्क्य स्मृति में, अनुस्मृति में, सारे स्मृति में राजनीति। अब यहां जो रथकार शब्द से स्पष्ट है कि ये त्रैवर्णिक से अन्य होना चाहिए। अब आपने कहा त्रैवर्णिक से अन्य कोई यज्ञ नहीं है, तो ये रथकारो अग्निनाद अधीत कहां से आया, ये वेद का वाक्य है। अब देखिए यदि कोई द्वेष के विषय होता, छेड़छाड़ करने के विषय होता, तो इस वाक्य को ही घटा सकते थे, जिनके पास वो ग्रंथ थे, जिनके पास वेद थे, जिन्होंने ये सुना है, या वेद के मूल में या कल्प ग्रंथों में जहां भी आया होगा उसको हटा सकते थे, उनको अधिकार नहीं दिया जाता, तो समस्या ही खत्म, नहीं कर सकते ऐसा, ऐसे नहीं करेगा, उसमें एक अक्षर भी बदलने का हिम्मत, एक सज्जन जो वेद को जानता है, वेद के संबंध में वेद को आदर देता है, वो नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वेद अपौरुष है, वो आया हुआ है, उसमें जो आया हुआ उसका अर्थ समझने में आपका। तो अब जो जो कर्म का विभाजन करके दिया ना, वो आपस में संगर नहीं होने से समाज में व्यवस्था बनी रही। अब ब्राह्मण चाहता है, कोई ब्राह्मण व्यक्ति को बुद्धि आ गया कि हम रथ बनाएंगे, नहीं कर सकता, उसके लिए निंदा, यदि ऐसा काम में जाएगा, ब्राह्मण के लिए जो कहा गया वो वेद पाठ करे, अपना पूजा पाठ करे, उसके लिए जो अधिकार दिया गया उसको करते रहे, बाकी में उनका भी अधिकार नहीं है। ये अधिकार विचार में दोनों को ध्यान रखना चाहिए, एक तरफ अधिकार नहीं दिया उसको लेकर के हल्ला कर रहे हैं, और बाकी तरफ को जो दिया उसको क्या मतलब है। अब ब्राह्मण को बाजा बजाने का अधिकार नहीं, आपको पता है ये सब है ना, ये सब बजाने का अधिकार नहीं है, उसको स्पर्श करने का अधिकार उनको नहीं, उसको बजाने वाला दूसरा है, उनको दिया हुआ है, वही बजाएगा, मंदिर में देखे, कर्मकांड में देखे, वो होगा, और उनके बिना कर्मकांड पूरा नहीं होता है, उनको बुला के लाना पड़ता है, बजाना पड़ता है। आजकल भी आप देखिए यहाँ अभी भी प्रथा है, जब खेती शुरू करते हैं वो उनको बुला के लाते हैं, फिर बाजा बजाते हैं, वो गान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद खेती शुरू होती है, और उसके बाद खेत से जो निकलेगा ना उसका एक अंश उनको दिया जाता है, वो देना आवश्यक होता है, वो लोग उसी को लेके करते हैं, मानिए व्यवस्था बनी हुई है। ऐसा काम है, अभी कोई ब्राह्मण बाजा बजाना चाहे
अब जहाँ प्रथा है आप लोग जानते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब मुस्लिम के वजह से सब कुछ सबको हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा है कौन कहा। लेकिन जहाँ है वो लोग नहीं करते, उसका पूजन करते हैं। कर्मकांड में वो भी विधान है कि बाजा बजाने के वाले पूजन करना, उनको फिर सम्मान देना, दक्षिणा देना, सब कुछ देना पड़ता है, करने के बाद ही वो बाजा बजाएंगे। और जो नाई होते हैं ये करने वाले, उनका भी पूजन होता है। हमारे जो एक छुटी को उपनिषद करके उपनिषद ही है, मुंडन करने के विधान बताते हैं, जो हम लोग संत लोग मुंडन करते हैं ना उसके भी विधान है। उसको बुला के लाना पड़ता है, उसका पूजन करना पड़ता है, उसको सम्मान से कपड़ा आदि देना पड़ेगा और दक्षिणा पहले ही चढ़ाना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद में ये मुंडन एक आचार है, केवल आपके मैंने ब्यूटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक कर्म विशेष है। वो करने से वो उस प्रकार से करना है। शुचिको उपनिषद में उसके बारे में चिंतन के बारे में बोला। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यवस्था बनी हुई तो उसको उतना काम दिया गया, बाकी कोई काम 64 कला में एक दो कला है उसको छोड़ करके किसी कला में ब्राह्मण को अधिकार नहीं, बाकी सबको दूसरा दूसरा विभाजन करके दिया। इस प्रकार क्षत्रियों को इत्यादि देख ऐसा रथकार से ही मालूम होता है, निश्चित होता है कि ये कोई चतुर्थ वर्ण है। ऐसे वहां संशय होता है ये मंत्र को लेकर के। अब रथकार पूर्व पक्ष कहता है कि रथकार रथकार जो कह रहे हैं आप, इतना क्यों रथ के लेकर के बात कर रहे हैं, रथकार रथ बनाने वाले मतलब कारपेंटर आदि समझ लीजिए जो भी है, हाँ वो उस आदि के। लेकिन वो सामान्य व्युत्पत्ति किया जाए, रथम करो दी व्युत्पत्तिया योगी का व्युत्पत्ति, ये योगी का व्युत्पत्ति मैंने व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द कैसे बना है, उसमें समास क्या हुआ है, उस प्रकार से करना। तो वो रथकार मतलब रथम करो दीदी रथकार, हाँ उपपद समास हो जाता है हो करके ये बना हुआ, रथम करो दीदी रथकार। तो रथ करने वाला कोई भी हो सकता है, अब वो तो नाम तो नहीं लिया ना, अमुक व्यक्ति करेगा तो रथ करने वाला रथकार हो जाएगा। जैसे पाचन करने वाला पाचक होता है, पाचन क्रिया करता है तो पाचक होता है, सूद उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कर सकता है। तो ऐसा पूर्व पक्षी वहां कहता है, तब क्या सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं, रथकार हो न त्रैवर्णिक, रथकार त्रैवर्णिक नहीं है। प्रश्न होगा अब रथकार त्रैवर्णिक नहीं है तो वो अग्नि आधान करके इतनी कैसे करेगा, तो बोलते हैं हाँ देखिए ये त्रैवर्णिकों को निषेध किया है रथ करने, इस काम में लगने के लिए, वो ऐसे कर नहीं सकते, वो चित्रकार नहीं बन सकते, बहुत सारा निषेध है। अब ब्राह्मणों का जो निषेध आप देखना चाहते हैं उसमें आप मनुस्मृति याज्ञवल की स्मृति इसमें देखिए, जो वर्ण का कितना निषेध किया है, वो ये सारे देखने पर एक भी ब्राह्मण मिलेगा नहीं, वो सारे निषिद्ध कर्म कर रहे, वो सब नहीं करने के लिए कहा। वो बोलते हैं न जीवे और द्विजा शिल्प ही निषेधा, द्विजहा मन तीन वर्ण आ गया, ये शिल्प ही न जीवे, वो दूसरे का काम है उसको आप हड़पना नहीं, आपके पास शक्ति बुद्धि सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन वो उनके लिए दिया हुआ वो काम करके वो अपने जीवन चलाएंगे, व्यवस्था है। इसी को राजनीति बोलते, इसी को दंडनीति बोलते थे पहले, यदि ऐसा बदलेगा तो उसको समाज से बाहर करेंगे, वो राजा उसके लिए दंड देंगे, बड़े बड़े दंड होते हैं उसके, आपको सामर्थ्य तो नहीं कर सकता, ऐसा निषेध किया है। इसीलिए सिद्धांत कहता है ये रथकार तो वर्णिक नहीं है। अब उसके लिए अग्नि का विधान है, ये भी तो नकार नहीं सकता, अग्नि ने आधे दीदा स्पष्ट बोला। तब क्या है वहां व्यवस्था कैसे बना दी, ये जो रथकार क्या होता है ना, रथकार की व्याख्या ऐसे है, रथकार शूद्र जाति के होते हैं ये, वो जो रथकार शब्द जहां रूढ़ है, रूढ़ माने वो जाति विशेष में रूढ़ है, जाति विशेष में रथकार शब्द रूढ़ है, तो वो जाति विशेष को ही मानना चाहिए और उनको यज्ञ कराना चाहिए। अब उस यज्ञ के लिए जो जो मंत्र कर्म आदि की आवश्यकता है उनको कराएं और उसको लिए वो यज्ञ कराएं, ऐसा वहां निर्णय हुआ सिद्धांत। तो मतलब वेद मंत्र है, अग्नि आधान करने के लिए कह रहा है और नाम लेके कह रहा है, वो दूसरा नहीं कर सकता। तो अब शूद्रों में रथकार रूप जो जाति है, यहां जाति है ध्यान देना, ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण तो सामान्य रूप से चतुर्थ वर्ण हो गया, चतुर्थ वर्ण में रथकार नाम के जो जाति विशेष है उनको
उन कर्मों को विशेष मान करके यज्ञ कराते हैं, उनका जो भी वहां डालना होगा उपनयन आदि सब डाल लेंगे, उस समय के लिए सब कुछ करेंगे, करके कराएंगे। अब लगता है हमारे दक्षिण में आप देखते हैं, देखा होगा आपने, तो हमको भी बहुत पहले से संशय रहता कि ये जो विशेष जाति विशेष के जो चित्रकार होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, जिसको शर्मा धर्मा बोलते हैं, वो उपनयन डालते हैं। अभी भी है, आपने भी देखा हो, कर्नाटक में भी है, हमारे इधर केरल में भी है, यहाँ है, उनको नहीं ब्राह्मण बोलते, तो उनको डालते हैं। हाँ, विश्व ब्राह्मण बोलते, विश्वकर्मा बोलते, उनको डालते, और मंदिर आदि के अंदर के कार्य जो वहां भी कोई लकड़ी का काम, कोई भी काम होगा, उन्हीं से कराते हैं। जो राजमिस्त्री यहाँ बोलते हैं, जो जादी से ही वो उसमें आता है, उनको ये कराते हैं। अब वो हम इसका प्रमाण ढूंढा, कई जगह कहीं भी नहीं मिला। अब इससे ये मालूम होता है कि इसी से गया हुआ है, क्योंकि रथकार के लिए कहा है, रथकार के लिए शिल्पी ही शिल्पी सामान्य, क्योंकि शिल्प कला 64 कला में एक कला है, तो वो उसी के हिसाब से उनको वो दीक्षा दिया गया, दीक्षा देकर के उनको कर्म करा गया। और शिल्प सूत्रों में, शिल्प सूत्र जो मंडप आदि बनाने का सूत्र है, उनमें भी उनका काम है। जैसे अभी पुरी के जो मंदिर में वहां जो काम करते हैं, अभी प्रसिद्ध वही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहां के जो मूर्ति बनाते हैं वो जाति विशेष का होता है, वो जाति विशेष ही वो काम करेंगे, ऐसा करके वो ब्राह्मण आदि नहीं होते, दूसरे वर्ण के होते, और वही करके उनका करके वहां पहुंचाना उनका काम है, वही उनके लिए पूजन है, वही उनके लिए सब कुछ सेवा है, ऐसी व्यवस्था दी है, वो दूसरा नहीं करेंगे, आज भी नहीं करते, हिम्मत नहीं करते कोई वो दूसरा वो काम को करे, नहीं होता, ये ही व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था दी गई। मतलब वर्ण विशेष में जाति विशेष के लिए ये दिया गया, एक तो ये हो गया, और दूसरा उसके बाद वाला अधिकरण 13वां आता है, निषाद स्थपति अधिकरण। वहां भी यही प्रश्न है, वहां एक मंत्र आया, रौद्रम वास्तुमयं चरुन निर्वपेत, रौद्रम वास्तुमयं चरुन निर्वपेत, ऐसा वहां यज्ञ करने के विधान है। एक कामेष्टि यज्ञ है, यज्ञ में आता है कामेष्टि, तो रुद्र देवता के लिए वास्तुमयम चरु निर्वपे, चरु जो चावल से सूखा पकाते हैं उसको तो चरु कहते हैं, वो चरु का निर्वपन करे, यानी यज्ञ करे, उससे आहुति करे, निर्वपन मैंने अलग अलग पीस पीस काट करके जिस देवता को देना है वो भाग लेकर के करे, ये निषाद स्थपति अधिकरण। अब वहां भी यही है कि यहां भी संशय है, ये दया निषाद स्थपति जये, स्पष्ट रूप से निषाद स्थपति का नाम दिया कि चरु का वपन करके ये दया उसके द्वारा निषाद स्थपति को याजन कराएं। अब इसको धन्यता नहीं करते, और निषाद शब्द आया है, ये सब स्पष्ट है, तो वहां क्या है, अभी प्रश्न यही है कि निषाद स्थपति कौन होगा, क्या निषाद स्थपति त्रैवर्णिक होगा कि नहीं होगा, तो वहां पूर्व पक्ष ये कहेगा वो निषाद कोई जाति विशेष, जाति विशेष है निषाद, तो चतुर्थ वर्ण में आता है, तो निषाद का स्थपति कोई राजा हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई हो सकता है, उसके पति मतलब उसको जो चला रहा है, जैसे राजा सबके पति होते हैं, ऐसे उसको चलाने वाले, उसको संभालने वाले, उसको कुछ मार्गदर्शन करने वाला कुछ भी हो सकता है, ऐसे अर्थ में निषाद स्थपति, निषादस्य स्थपति, ऐसा षष्ठी समास करके अर्थ निकालना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष मान रहा था, वो भी सही होता है, षष्ठी समास को गलत तो है नहीं, तत्पुरुष समास में षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास होता है, और उसका अर्थ होता है निषादस्य स्थपति, तो निषाद अलग हो जाएगा, स्थपति हो जाएगा वो वहां करता, तो कोई राजा आदि कोई करता होगा, निषाद स्थपति बने निषाद आदि का व्यक्ति नहीं है, कोई राजा है, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है, क्यों, इनका सबका निषेध आया, कैसे करेंगे, इनको तो वेदाध्ययन है नहीं, उपनयन है नहीं, वो कैसे कर्म करेंगे, यही तो पहले वाला यही पूर्व पक्ष। लेकिन यहां देखिए ये सिद्धांत मीमांसा कितने पक्के होते हैं अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने में, और कोई समझौता नहीं करते हैं, इसका और एक पुख्ता उदाहरण है। अब क्या है, ये शास्त्र के विषय है, जितने समास होते हैं, समास है जैसे आप जानते हैं कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तो उसमें भी अलुक समास है आदि आदि, क्या नया समास है, तो सब जानते हैं, ये तो समास है।
इन समासों का अर्थ करते समय वादी वादी में भेद, कोई किसी समास को मुख्य मानते हैं, कोई किसी समास को गौण मानते हैं। मतलब दो समासों के बीच में यदि झगड़ा हो जाए, मतलब ये समास भी होगा वो समास भी होगा, तो उसमें किसको चुनना है, ऐसे में मीमांसक, मैंने दोनों मीमांसक, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक, ये समासों के बीच में झगड़ा होने पर वो भी कौन कौन समास ये है, कर्मधारय समास को मुख्य मानते, पूर्व पक्षी भी ऐसा मानते, यानी मीमांसक मान हमारे में तत्पुरुष और कर्मधारय में यदि विवाद हो तो कर्मधारय को मुख्य, तो ऐसा तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष के अंतर्गत ही कर्मधारय आता है, तो भी समानाधिकरण विभक्ति में बल रहता है, क्योंकि दोनों का अर्थ लगता है पूरा पूरा। और तत्पुरुष में क्या प्रॉब्लम है, वो द्वितीय पदार्थ, द्वितीय जो पद है द्वितीय अंश में उसका बल रहता है, पहले अंश में नहीं रहता, उत्तर पद प्रधान होता, और द्वंद्व होगा तो सम प्रधान होता, और बहुव्रीहि है तो अन्य पद प्रधान होता। अब ये सब क्या है, शब्द को छोड़ करके दूसरे दूसरे इधर उधर करने वाली बात होगी। अब दो पदों में से एक को कम करना एक को ज्यादा करना अन्याय है, इसलिए भगवान ने क्या कहा, भगवान ने समास में द्वंद्व को अपने आप छू लिया, क्योंकि द्वंद्व में सम प्रधान होता है, सबका अपना अपना अर्थ निकलेगा, वो आगे रहे पीछे रहे जो भी रहे, लेकिन सम प्रधान होता है, तो इसलिए द्वंद्व समास में द्वंद्व समास हो ऐसा कहा। अब ये विषय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब यहां दो विषय का है, पूर्व पक्षी कहता है तत्पुरुष समास करो और राजा ब्राह्मण आदि में अर्थ करो, निषादत स्तवधि का अर्थ, निषादत से स्तवधि ऐसा अर्थ करो, लेकिन सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं, यहां कर्मधारय करने की स्थिति है तो कर्मधारय को छोड़ करके नहीं करना, तब क्या है निषादश्चासौ स्तवधिश्चैति, कर्मधारय समास मुख्य समास है, तो हम उसको मुख्य मानते हैं, इसीलिए निषाद होता हुआ जो स्थपति है, मतलब जो शूद्र वर्ण में आता है निषाद जाति विशेष है, वो होता हुआ जो स्थपति है, जिसके पास संपत्ति आदि हो, स्थपति स्थावन भूमि भी हो सकते हैं, संपत्ति भी हो सकते हैं, स्थपति नाम है उसका, तो वो स्थापत्य कर्म करता हो ऐसा भी हो सकता है, तो इस प्रकार से निषाद होता हुआ जो स्थपति है उसी को ही कह रहा है, क्योंकि कर्मधारय समास लेना। अब देखिए यहाँ कुछ झगड़ा कराना है, भेदभाव कराना है, कुछ भी कराना है, यदि वेद से कुछ छेड़छाड़ करना था तो सीधा सीधा तत्पुरुष समास मान सकते थे, तो वो अपने आप त्रैवर्णिक में जाएगा, लेकिन नहीं जाने दिया, क्योंकि वेद जब शब्द लेके विशेष अर्थ में बोल रहा है तो ऐसा शब्द का अर्थ इधर उधर करने नहीं करेगा, पूर्व मीमांसक तो नहीं करेगा, वो बिल्कुल उसी पे करता, ये इसका बड़ा दाह है, ये सब लोगों को मालूम नहीं है, जितने जो भला करते हैं ना, ये इनको किसी को ये बात मालूम नहीं है कि इस प्रकार से विचार हुआ है, दर्शन शास्त्रों का किसी को अध्ययन है नहीं, तो क्या बोलेंगे, ये नियम जो बनाया हुआ केवल उनको फूट डालने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अपने वोट मांगने के लिए, विवाद करने के लिए, क्या मिलेगा कोई वो देखता है, समन्वय शांति समाधान अपने अपने कर्तव्यों में सुरक्षित काम करते रहे प्राप्त होते रहे, ये कोई भी नहीं देखेगा, शांति से कोई भी आप देखना, कुछ समय शांति से चलेगा तो ये लोग चटपटाने लगते, कुछ समय से सब कुछ शांत है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे शांत है तो फिर हमारी नेतागिरी का क्या होगा, फिर हमको जो आगे हम कैसे वोट मांगेंगे, फिर उन्हें कुछ ना कुछ झगड़ा शुरू करना पड़ेगा, तो वो जा करके कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इधर उधर का उधर करेंगे, उधर का इधर करेंगे, फिर बाकी जो भी साथ वाले उनको लेंगे, फिर हल्ला शुरू करेंगे, ये बहुत बड़ा अनर्थ आप देख रहे हैं, ये केवल इधर नहीं है, सारी दुनिया में यही चलता है, इसी को राजनीति सोचते हैं लोग, राजनीति ये है ही नहीं, राजनीति का पाठ उनको पढ़ाना चाहिए, राजनीति क्या होते हैं, ये तो केवल झगड़ा करना है, विघटन करते हैं, नहीं तो ये बातों को आप देखो कि कर्तव्य के विषय में है, ये कर्तव्य के अलावा आप कुछ नहीं सिखा रहे, वही सिखा रहे ये भी, इसीलिए कहा कि निषाद को ही यहां करना चाहिए, बोलता है निषाद कौन है, तो निषादश्च ब्राह्मणा शूद्राया उत्पन्ना संकर जाति, वो सीधा सीधा शूद्र भी नहीं है, संकर जाति, ब्राह्मण को शूद्र में, शूद्र स्त्री में उत्पन्न हुआ संकर जाति, इसीलिए वचनादेव अत्र अधिगृहते, अब उसका प्रमाण क्या है निषाद को याजन करने के लिए, वचन कहा, वेद कहता है निषाद को याजन कराओ, तो हम फिर बाकी क्या ढूंढना है, तो उसी से ही उनको याजन कराया जाएगा, तब प्रश्न होता है कि
ऐसा यदि आप यजन कराएंगे तो फिर वो क्या करेगा, उसको मंत्र बोलना पड़ेगा यजन करते समय, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, संकल्प बोलना पड़ता है, मंत्र बोलना पड़ता है, ये सब करेंगे तो बोलते हैं वो जो जो उसमें विधान किया गया, वेद विधान किया, उसको 100% हमको मानना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण उसके लिए जाएगा वो पहले उनको तैयार करेगा, तैयार करके सारे मंत्र सिखाएंगे, विधि सिखाएंगे, उच्चारण कराएंगे, फिर उसके बाद उसको बिठाएंगे कराएंगे। अब बोलता है ये आपने कैसे निश्चय किया, वहां एक आगे एक सूत्र आता है लिंगाच लिंग दर्शनाच, ऐसे सूत्र एक लक्षण भी देखा गया उस प्रकरण में, जिस प्रकरण में ये निषाद सपदिन यादेद आया, वहां एक लक्षण मिलता है। क्या लक्षण है, दक्षिणा देने की बात है। वो जो भी ब्राह्मण कर्म कराया, कर्म हो गया, दक्षिणा देना है, वो इष्ट यज्ञ है, वो तो अवश्य दक्षिणा देना है। तो ये दक्षिणा देने में वहां क्या है? कूटम दक्षिणा थपते, ऐसा कुछ शब्द आया। कूट नाम के जो वस्तु है उसको दक्षिणा के रूप में देना चाहिए था। अब ये कूट क्या होता है, ये कूट ऐसा है कि इसके लिए कोश कहते हैं कि व्याधा नाम मृग ग्रहण साधन यंत्र विशेष कूटम। जो व्याध होते हैं, जो जानवरों को पकड़ने वाले होते हैं, उनके पास जो यंत्र रहता है वो जानवरों को पकड़ने के लिए वो कोई यंत्र है, जैसे वो बाल के बांध करके रखते हैं, जाल बांध करके रखते हैं, फिर उसके में वो उसी में बांध करके वो पेड़ के ऊपर रखते हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी ने बताए थे। इस प्रकार का पहले था, आजकल तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और वो जाल नीचे बिछा हुआ होता है और ये पेड़ के ऊपर ये वो यंत्र जो है उसमें रस्सी बांध के वो कहीं पीछे झाड़ी के पीछे उसका रस्सी का पूंछ पकड़ के बैठा रहे, बैठा रहेगा, वहां बैठ करके ध्यान करता रहेगा। और ये जो बिछा हुआ जाल है, अब वहां कुछ डाला होगा खाने की चीज, कुछ भी डाला होगा, तो वहां जानवर वो खाने की दृष्टि से आ जाएंगे। जैसे जाल के अंदर प्रवेश, जानवर को तो मालूम नहीं है जाल बिछाया हुआ, प्रवेश करेंगे वो वहां चढ़ कर क्यों खींचेंगे, तो रस्सी को खींचेंगे तो वो जाल बंध जाएगा, फिर वो जानवर नहीं जाता। ये जो यंत्र है इसको बोलते हैं कूट। अब ये कूट तो इसके पास ही होता है, निषाद के पास होगा, जंगल में रहता है वो ये काम करता, इसीलिए ये लिंग है कि वो निषाद वही है। ये कूट तो ब्राह्मण के पास नहीं होगा, क्षत्रिय के पास, वैश्य के साथ बाहर दूसरे के पास नहीं होगा, वो तो उसी के पास ही होगा, इसीलिए उसी को ही कहा गया। वेद तो स्पष्ट रूप से उसको दक्षिणा के रूप में देने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके पास बस सबसे मूल्यवान वस्तु वही होता है, जो भी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, तो इसलिए उसको देने के लिए बोला। इस प्रकार से वहां वर्णन आया, ये सारे वहां की कथा। अब इसके आधार पर हम एक विषय अभी निश्चय कर सकते हैं कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये सबके हित में, ये जो व्यवस्था बनी थी या व्यवस्था के अनुसार जो चला रहे हैं ये सबके हित में है, इसमें कोई भेदभाव का कोई सवाल नहीं, और सबके लिए ब्रह्मज्ञान जो परम मोक्ष है वो प्राप्त करने का अधिकार है, और जिसको जहां करने का अधिकार दिया गया उसको उसी में करना चाहिए, उसको जाकर के प्राप्त करना चाहिए। जिस ये वेद के मंत्र पढ़ने को बोला नहीं है, इतने मात्र से आपका कुछ हानि नहीं होता, किसी का कुछ हानि नहीं, क्योंकि इसके अलग पूरे स्मार्त कर्मों में सारे चतुर्थ वर्ण का, सारे वर्णों का अधिकार है। स्मार्त कर्म सारे कर सकते हैं आप, जो मंत्र वेद में है वही मंत्र का अर्थ और विहित स्मार्त कर्म है, पुराण इतिहास आदि से। अभी जैसा उदाहरण के लिए नमः शिवाय मंत्र, नमः शिवाय मंत्र वैदिक भी है, स्मार्त भी है, वेद में आया हुआ, रुद्र पाठ में आया हुआ, आप जानते हैं, और स्मार्त भी है, स्मार्त से आप कर सकते हैं। तो ये सारे संस्कार आप कर सकते हैं, सारे को, सारे इच्छाओं का प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, वो वर्ण मैंने क्या स्मृति आदि से जो भी कहा गया उसको करते, जितने जो तंत्र विधि है, ये सारे मार्ग जो भी आए हैं, वैष्णव संप्रदाय, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, सब आए ना कल परसों हमने सुनाया, ये सारे स्मार्त विधि में, मैंने पुराणों से इतिहासों से उन्होंने धर्म का आचरण कर लिया, और वहां पूरा विस्तार से कर्म का विधान है, सब लोग उसको कर सकते, इसमें कोई किसी का निषेध नहीं है। और केवल उसमें नहीं दिया उसका बहुत कारण है, क्यों नहीं दिया, और उनको तो दूसरे में अधिकार नहीं दिया ना, केवल उनको सबका अधिकार दिया तो चक्रवर्ती बना दिया, तब तो बात हम कर सकते हैं उनके लिए सब दिया हमको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। जो अभी हो रहा है वो ऐसा है, जिसको मिल रहा है सब उसको मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो तो नीचे की ओर जा, समाज में अव्यवस्था,
कर्म को लेकर के भी, विचार को लेकर के भी, प्राप्ति को लेकर के भी, साधन को लेकर के भी, सब में अव्यवस्था। और ये व्यवस्था के कारण सबको दुख हो रहा है और उसको आरोप लगा रहे हैं वेद के ऊपर और हमारे आचार्यों के ऊपर जो इतने उदार भाव से ऐसा किया। तो आपको इतने सारे पुराण पढ़े हैं, इतने सारे स्मृति ग्रंथ है, वेद वेदांग ये दोनों छोड़ के बहुत कुछ आपके पास है जिससे आपको सब कुछ कर सकते। वहां तो जो मनुष्य की बात कर रहे हैं ना, जो जंगल में जी रहे हैं, उनके लिए भी है कि आप ऐसे ऐसे कर्म करा के, ऐसे ऐसे उनका आचरण करा के धीरे धीरे उनको इसमें लाओ, उनके लिए जो जो चाहिए वो करा वो बोलता। अब ये निषाद अष्टपदी को देखो, ऐसा कराने के लिए विधान है, वो सारे स्मार्थ कर्म है, स्मार्थ की दृष्टि से होगा, वो भी कराएंगे, जो जानकार है वो भी कराएंगे। और ये ही प्रचार में बहुत सारे मंदिर में, अभी भी भारत में बहुत सारे मंदिर है जहां ब्राह्मण पुजारी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई पुजारी नहीं, सदस्य वर्ण के पुजारी वाले बहुत सारे मंदिर है, नहीं है क्या? जंगलों में है, इधर जगह है, गांव में है, कई जगह है। अब यहां भी हमने एक आश्चर्य अभी लेके आया, समय हो गया, कल सुनाएंगे। तो ये है व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के आधार पर आपको ये दोनों अधिकरण बताएंगे, इसमें कोई अभी संशय है क्या? सारे वो वहां जो कहा हुआ, उधर जो नहीं दिया अधिकार, वो अधिकार यहां देना चाह रहे हैं। भाष्यकार अधिकार से च्युत नहीं कर रहे, वो कर्मकांडियों ने अधिकार को बंद कर दिया था, बोला कि कर्म में भी अधिकार नहीं उनको, विद्या में भी अधिकार नहीं, देवताओं को, चतुर्थ वर्णों को, इनको अधिकार नहीं है कहा। उधर जो है ब्रह्म विद्या में दोनों को अधिकार दिलाया, देवताओं को, ऋषियों को, अभी चतुर्थ वर्ण को भी इतिहास पुराण आदि से अधिकार दिलाना चाह रहे, देना चाह रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हटाना चाह रहे, उनको पता नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही सुंदर हुआ, जैसा भी विचार हुआ, क्योंकि ये बहुत समय से ऐसा चल रहा था, कई लोगों का अनुरोध था, इसीलिए मैंने इसको इतना आपको विस्तार से सुनाया। सामान्य रूप से हम अधिकरणों के ऊपर इतना लंबा करते नहीं है, किंतु इस अधिकरण में ये विशेष बात चाहिए, तो बहुत उसके कारण धन हो रखा।